सुल्तान सिंह शेखावत जो कि मध्य प्रदेश असंगठित शहरी ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। वे आज अल्प प्रवास पर नीमच आए। यहां पर उनके साथ जनपद अध्यक्ष शारदा मदन लाल धनकर एवं जनप्रतिनिधि तथा भाजपा के कार्यकर्ता के साथ शिखर सिंह के सदस्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उनका साफा पहना कर फूलमालाओं से स्वागत किया गया। सुल्तान सिंह शेखावत से हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी, उनके विभाग की योजना, असंगठित मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं एवं अन्य विषय पर विस्तार से चर्चा की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या खास बात कही। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी हम लोग सुल्तान सिंह की शेखावत जो कि जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और जो कि मध्य प्रदेश असंगठित शहरी ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष हैं और इन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, हम उनके साथ बातचीत करेंगे। सर प्रणाम। नमस्कार जी। सर आपके दौरे का उद्देश्य क्या है? हमारे दौरे का उद्देश्य है हमारी जो योजना है उनका प्रचार प्रसार हो और कार्यकर्ताओं से मिले जुले, मीडिया वालों से मिले। नीमच आने का विशेष कारण सर? नीमच तो व्यक्तिगत कारण से आया था। ये आने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से भेंट हुई क्योंकि ये कॉलेज में आया था। सर संबल योजना जो है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सर आपको स्मरण होगा कि 2018 में हमने संबल योजना प्रारंभ की थी। उस समय हमने 2,80,00,000 लोगों का पंजीयन इसमें किया था और मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभाएँ करके इसमें लोगों को लाभ दिया। उसके बाद में कमलनाथ जी की सरकार आई, उस सरकार ने लाखों लोगों के नाम उससे हटा दिए बिना जांच करे, केवल वो क्लिक दवाई और हटा दी, ऐसे करके सबको हटा दिए। बाकी अभी हम उन लोगों को फिर से पंजीयन कर रहे हैं और अभी हमारी साइट चालू है, साइट पर नए पंजीयन भी हो रहे हैं, वो पुराने उनके नाम हटा दिए गए, उनके भी पंजीयन हो रहे हैं और संबल 2 में योजनाओं का विस्तार भी हम करने जा रहे हैं। योजनाएँ कौन कौन सी सर? तो आज अभी वर्तमान में जो चल रही है कि सामान्य व्यक्ति के ऊपर 2,00,000 रुपया, एक्सीडेंट पर 4,00,000 रुपया, अंत्येष्टि का 5,000 रुपया, अंग भंग हो जाए तो 1,00,000 रुपया, ज़्यादा हो जाए तो 2,00,000 रुपया और इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में अभी संबल 2 में हम बड़ा काम कर रहे हैं कि जो हमारे लाभार्थी हैं या हितग्राही हमारे जो हैं उनके परिवार के लोग अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ते हैं, उनका पूरा खर्चा जो है जो लगेगा वो हमारा मंडल देगा। इसी प्रकार मेडिकल में भी लोग जाते हैं तो उसका ही पूरा लाभ देगा। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या और कोई मेडिकल उच्च शिक्षा में जाएगा उसको उसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा विवाह सहायता में भी हम विचार कर रहे हैं उसको बढ़ाने का भी। योजनाओं के साथ साथ हम इस बात का भी चिंता कर रहे हैं कि जो लोगों का हमने पंजीयन किया था उनका पंजीयन का फिर से वेरिफिकेशन सब ठीक प्रकार से हो जाए, सारे हितग्राहियों को लाभ ठीक से मिले, इस बात की चिंता भी हो रही है। अभी हमारा पोर्टल खुला है, उसमें ऑनलाइन आप पोर्टल में आप पंजीयन करा सकते हैं, जिनके नाम पहले कट गए छूट गए वो भी पुनः अपने नाम जोड़ सकते। सर असंगठित जो मजदूर हैं उनके लिए क्या विशेष योजना है? ये संबल योजना असंगठित के लिए ही है। मध्य प्रदेश सरकार में 3 मंडल हैं, इसे मध्य प्रदेश शहरी ग्रामीण असंगठित कर्मकार मंडल जो संबल योजना जिससे जुड़ी हुई है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण योजना जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, जो बढ़ई हैं, सुतार हैं, आपका मिस्त्री है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हैं, वो भी उनके लिए भी योजना बनी हुई है। इसी प्रकार माइग्रेंट वर्कर के लिए भी योजना बनी हुई है। तीनों मंडलों में असंगठित आते हैं, इसमें संबल में हाट वाला, फुटपाथ वाला, सड़क वाला, सीधा सीधा इसका डेफिनेशन ये है जो सरकारी कर्मचारी ना हो, 1 एकड़ से कम जमीन वाला हो और इनकम टैक्स पेड ना हो वो संबल का इतना ही दे सकता है। और कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है ठेकेदार उसको वेरीफाई कर देता है कि इसने हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन में काम, ये जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं चाहे नगरीय निकाय के हों चाहे शहरी क्षेत्र में, चाहे आपका व्यक्तिगत की 10 लाख से ऊपर का मकान बना हुआ है तो उसके ऊपर भी वो योजना लागू है। सर कन्यादान की जो राशि है 25,000 को इसे बढ़ाने के लिए हाँ इस पर विचार हो रहा है जी। सर नीमच के लिए कोई विशेष योजना, नीमच के लोगों को क्या किस तरह से इसका लाभ मिल सकता है इसके बारे में? तो नीमच जिले में मेरा बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पर मैं भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए मैंने नीमच को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। यहाँ बिजली के क्षेत्र में, जावल में, सीमेंट के क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में, चाहे
शासकीय क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में सब कुछ आता है। अभी वर्तमान में यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी चुनाव में जिला पंचायत के नगर पालिका नगर निगम के सबके चुनाव हो रहे हैं। योजना बनेगी, योजना बन के सरकार के सामने आएगी, कोशिश करेंगे कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अधिक से अधिक विकास के कार्य आप हो, उसमें हमारा जो भी सहयोग लगेगा सीमित क्षेत्र में होगा। फिर भी नीवज के लिए तो कोई खास बात आपने सोची हो सर? आपके दिमाग में कोई तो बताइए, हम कोई चीज़ गर्व में है उसको हम नहीं बताएंगे, जब तक किसी होगी बात नहीं आता। बाकी नीवज के लिए बेहतर होगा आने वाले समय में, ये आप लोग कैमरा मैन अंकित यादव के साथ अब्दुल।